All right, little girl, let's get you cleaned up. They're mine now. What? What's up guys, welcome back to Play Console. आज के इस गेम प्ले में मैं खेलने वाला हूँ Resident Evil 7 का DLC जिसका नाम है Daughter. इस DLC को खेलने पे पता चलता है कि डैडी लुकस मार्गरेट ये जो फैमिली मेंबर्स थे, ये फैमिली एक छोटी फैमिली हैप्पी फैमिली हुआ करती थी और इनके ऊपर कोई भी जॉम्बी का कोई भी तरीका कोई पोजीशन या कंट्रोल नहीं था किसी का. तो पहले ये लोग फैमिली जो फैमिली थी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, बट कैसे चेंज हुई, कैसे कन्वर्ट हुई ये फैमिली जॉम्बीज में, तो ये दिखाया गया है इस गेम प्ले में डॉटर में. तो इस वीडियो को पूरा देखो यार, ये गेम प्ले बहुत ही अच्छा होने वाला है और तुम्हें गेम प्ले में मज़ा आएगा क्योंकि ये गेम प्ले है ही बहुत अच्छा और इसमें तुम्हें डैडी मार्गरेट लुकस की प्रीवियस स्टोरी के बारे में थोड़ा पता चलेगा और उनके फैमिली मेम्बर्स कैसे थे, मतलब क्या क्या करते थे, वो भी तुम्हें पता चलेगा. तो इस वीडियो को पूरा देखो. तो फिलहाल मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये लोडिंग स्क्रीन पर है, तो थोड़ा वेट करते हैं. तो यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहा है, कुछ तूफान वगैरह आया हुआ है, हरिकेन जिसे तूफान कहते हैं, तो वो आया हुआ है, मतलब सैलाब तो बहुत ज़्यादा आया हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब तबाही वगैरह हो रही है. बट ये लोग जो है शहर में नहीं रहते हैं, ये लोग रहते हैं आउटसाइड में, तो इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम की मतलब कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है. पर ये न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो वहाँ पे दिखा रहा है ये कि सिटी में हरिकेन आया हुआ है, सुनामी जिसे कह सकते हैं. तो ये थी हमारी जोई जो देख रही थी टीवी और इसने देखा है न्यूज़ वगैरह कि क्या हो रहा है बाहर. और ये क्या है, डैडी ने एक बच्ची को लाया है घर पे जो भीगी हुई है काफ़ी तरीके से, काफ़ी ज़्यादा भीग गई है. और ये है मार्गरेट और वो उनका बेटा लुकस जो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, फिलहाल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है वो लड़का. तो ये देखो यार, ये फैमिली जो है कितनी मतलब नॉर्मल हैप्पी फैमिली है. और ये बच्ची को मतलब रूम पे ले जाने के लिए कह रही है. Always wanted to bed and breakfast. Got your big break, didn't you? Get her to bed. I'll put some soup on. Ugh. Good night for soup, don't you think? Excuse me, look at Lucas. Lucas ke room pe le jaya gaya hai us bachchi ko. ये इनका घर काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी पीसफुल है. और ये 26th एनिवर्सरी है इसकी, मतलब मार्गरेट की और डैडी की 26th एनिवर्सरी अभी है. और कुछ अच्छा बना रही है मार्गरेट. There's a change of clothes in the laundry room, dear. Shopping list. Eggs for और ये मतलब शॉपिंग लिस्ट है जो फ्रिज में इन्होंने लगा के रखे हैं. Go on, take that girl some clean clothes. लड़की को साफ करने के लिए बोल रही है, कपड़े पहनाने के लिए बोल रही है, काफ़ी भीगी हुई है. यहाँ मार्गरेट खाना बना रही है, यहाँ लुकस बैठा है, एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली. और घर भी देखो इनका यार, कितना मतलब अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है. जब इथिन के आने के बाद पूरा घर ही चेंज हो जाता है, तुमने देखा होगा इथिन के आने के बाद पूरा मतलब घर का लाइट वगैरह डार्कनेस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा घर पर. तो यहाँ पे रखा है इस लड़की का जो क्लोथ है वो यहाँ पे रखा है. चलो दे देते हैं उस बच्ची को. ये लॉक है,
ये भी लॉक है। ये है डैडी और मार्गरेट की पिक्चर जो है 25th एनिवर्सरी की, यानी कि एक साल पहले की इन्होंने ली होगी पिक। और ये है लुकास का बेटा, फरवरी 2013 का पिक है ये। चलो अब चलते हैं अप स्टेयर पे और देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल पहले मॉमी से मिल लूँ, मार्गरेट से, वो क्या कह रही है। मैंने कपड़े तो ले लिए। अच्छा लुकास का जो है, मुझे रूम में जाना है, ओल्ड रूम पे, वहाँ पे वो बच्ची है। ये लॉक है। अरे हाँ भाई जा रहे हैं। तो आ रहे हैं हम अपस्टेयर्स पे यार, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है और वो बच्ची है कहाँ पे। ये है बेडरूम, काफ़ी अच्छा और नॉर्मल बेडरूम है। ये रूम मेरे ख्याल पे डैडी का है क्योंकि पूल वगैरह यही डैडी खेलता है, और स्पून का भी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। कहाँ से आए थे हम, शायद यहाँ से चल के देख लेते हैं, पता चल जाएगा। ओ बाथरूम, गलत रास्ता, वहाँ से तुम आए थे तो यहाँ जाना पड़ेगा, शायद यही सही रास्ता होगा। और हाँ यहाँ पे है लुकास का रूम, ओल्ड रूम, जहाँ पे मुझे जाना है। Please get her cleaned up and into some dry clothes. I need to check on the boathouse. It was half underwater last I looked. Yes, Daddy. तो डैडी ने कहा है इसे कपड़े पहना दो, तो फिलहाल तो पहना दूंगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे देख लूँ यहाँ पे क्या है नहीं। यहाँ पे दो बेडरूम है जिसमें वो बच्ची एवलिन सोई हुई है, वो जोई का बेडरूम है यानी कि जिसको लेकर मैं खेल रहा हूँ, और बगल वाला है लुकास का। चलो देते हैं इसे कपड़े, क्लोथ्स। Alright, little girl, let's get you cleaned up. They're mine now. What? ओ तेरी, ये क्या हुआ? लाइटर, लाइट चले गई, पावर कट हो गई। Daddy, is the power out? Was there a lightning strike? अब मुझे ढूंढना पड़ेगा उस बच्ची को। यहाँ तो बंद है, वापस चलते हैं। Where'd that little girl get to? Empty, खाली बाथरूम। नीचे चलते हैं, जरूर नीचे कुछ होगा। What was that? नीचे होना ही चाहिए, और है कहाँ जाने का। Oh shit, man! घर को तो पूरा बिगाड़ कर रख दिया उस बच्ची ने।
Lucas? छोटी सी बच्ची ने What इतना सब कुछ happened? कर दिया। Are you okay? यहाँ लुकस को भी किसी ने बेहोश कर दिया है। ऊपर कोई है, आवाजें आ रही हैं ऊपर से। 100% ऊपर कोई है। What the hell's going on? जाकर देखना पड़ेगा। ये कौन बोला? मार्गेट? ये है क्या? मार्गेट है वो? Mama, is that you? Zoe? क्या गिफ्ट है Look. भाई? Come see her gift. Look at all the pretties my little girl is चोट giving. तेरी! इतना जबरदस्त गिफ्ट! Kiss me, lover. Thank God, Daddy यहाँ पर थे। जल्दी जाओ, अब डैडी की हेल्प करना पड़ेगा। रोप देना पड़ेगा डैडी को लाकर, और रोप गैराज में है, मुझे याद है, रोप गैराज में है। ये रहा गैराज। खुल जा, खुल जा। रोप मिल गई, अब निकल जाना चाहिए यहाँ से। यहाँ रुकना ठीक नहीं, जल्दी से जाना पड़ेगा डैडी के पास। डैडी को मदद की ज़रूरत है। डैडी क्या कर रहा है? डैडी पागल हो गया है। डैडी को भी इसने बना दिया अपने जैसा। माय गॉड, क्या ग्राफिक्स! यस, अनबिलीवेबल है यार। भागो 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 भागो, डैडी तो छोड़ेगा नहीं मुझे। ये डैडी वाले रूम में चलते हैं। फॉक्स, ये काम आएगा मेरे। डैडी आया, डैडी आया। हाँ डैडी आ गया, डैडी आ गया। थोड़ी देर यहाँ छुपना सही है मेरे लिए। What's a big idea, Zoe? You ain't going nowhere. अरे हाँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, छुप सकती हूँ। जोई जोई है, उसे पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इनफैक्ट वो तो पूरे घर को जानती है, क्योंकि वो यही रहती है। गया क्या? जल्दी से अपना काम कर लेता हूँ। यहाँ से अब निकल सकते हैं हम, और यहाँ पे अब डैडी आने नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर भी मैं इस बात को मानूंगा कि इस गेम का जो एआई है काफ़ी अच्छा दिया गया है, एडवांस एआई दिया गया काफ़ी। मैंने हर गेम में ऐसा एआई नहीं देखा जैसा रिजेंट एविल 7 में देखा। शायद रिजेंट एविल 2 में भी कुछ ऐसा ही एआई बनाया गया है। डैडी किसे ले जा रहा? लुकस को ले जा रहा है डैडी। डैडी लुकस को अपने जैसा बनाना चाहता है। गेट लॉक खुलेगा नहीं, मुझे पता था। मतलब फ़िलहाल मैं जो है अकेला हूँ इस घर पे अभी फ़िलहाल, बाकी सब जॉम्बी बन चुके हैं ऑलरेडी। शायद अब मेरी बारी होगी, बट ऐसा होने नहीं दूंगा। आखिरी दम तक कोशिश करूँगा सरवाइव करने का। नीचे कौन है? मारग्रेड। इससे मुझे बच कर जाना पड़ेगा। You're gonna have a little sister, Zoe. लैंटर्न लेकर ढूंढ रही है यार मुझे। बिहेवियर जो है लोगों का जॉम्बी जैसा नहीं हुआ, बट जॉम्बी बन चुके हैं। वॉयलेंस टाइप के जॉम्बी, एकदम न्यू टाइप का जो जॉम्बी है ना वो दिखाया गया इसमें। बाकी अदरवाइज रेजिडेंट एविल 2 वगैरह में जो अभी दिए गए नॉर्मल जॉम्बी दिए गए, जो हमेशा से जिसे जॉम्बी कहा जाता है रियल मॉडल में। तो अभी हम निकल जाते हैं यहाँ से, देखते हैं मार्गरेट कहाँ है वहाँ पे। चलो अच्छा मौका है, अनलॉक कर दिया मैंने। जोई यार, ओ ये फिल्म का हिस्सा है, मूवी का हिस्सा है, ये कर्सिन का हिस्सा है। ये मैं बस्टेड नहीं हुआ, पढ़ाया नहीं अभी। मानना पड़ेगा आखिरी टाइम पे भी मार्गरेट ने जोई की मदद की कार की चाबी देकर। खुद पर कंट्रोल नहीं था उसका, उसके ब्रेन पर खुद पर कंट्रोल नहीं था, फिर भी मार्गरेट ने जोई की मदद की। बट डैडी तो पूरा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। व्हाट्स हैपनिंग? वापस की मांग रही है मार्गरेट, पर मैं दूंगा नहीं। ओ तेरी, डैडी भी खड़ा है यहाँ पे, देखते हैं डैडी यहाँ पे आता है कि नहीं। यहाँ भी आ गया, नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं आ सकता, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, लाइटर जाना पड़ेगा। ये है नीचे का एरिया, यहाँ से मैं जाऊँगा गैराज पे। ये चाबी जो है कार की चाबी है, और मुझे कार लेकर निकलनी होगी यहाँ से, वरना ये लोग तो मुझे छोड़ेंगे नहीं और अपने जैसा वाहियात ज़ॉम्बी बना देंगे। लॉक पिक मिला है मुझे एक, चलो इसे यूज़ करके देखेंगे। यहाँ पे एक ड्रॉर है, वहाँ पे देखते हैं क्या है ये ड्रॉर सामने वाला। बॉटल, टूटा हुआ बॉटल, कोई काम करने। चलो देखते हैं डैडी कहाँ है। तो यहीं पे है, आ रहा है, जल्दी जाना पड़ेगा। ये रास्ता, अब मैं यहाँ पे डैडी नहीं आ सकता जल्दी, तो मुझे यहाँ जल्दी करनी पड़ेगी। ये खुलने में काफ़ी टाइम लगता है यार, जल्दी खुल लेते हैं वो। मिल गया, या कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओ तेरी एवलीन आ गई यहाँ पे। ओ डैडी, मैंने क्या किया? खत्म, अब गए, कोई चांस नहीं। यार तो तुमने देख लिया कि क्या किया डैडी ने, और कैसे ये लोग चेंज हुए हैं जॉम्बी में, और इनकी फैमिली पहले कैसी थी, इस वीडियो में तुमने पूरा देख लिया। और ये है एक फाइनल पिक आफ्टर जोई के पकड़ाने के बाद।
इसका एक अल्टरनेटिव एंडिंग भी है जो मैंने नहीं दिखाया तुम्हें। अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन पे लिखोगे तो मैं तुम्हें अल्टरनेटिव एंडिंग भी इसका दिखा दूंगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।